गाइस बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी और मैंने ये मीशो पे किया भी नहीं था, मीशो से किया नहीं था। अनस्टिच सूट मटेरियल मैंने मंगवाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, वो भी 11 है 11। वीडियो पूरी ज़रूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी, लेके आ गई हूँ एक और हॉल मीशो से, जो मैंने मीशो सीरीज में भी नहीं किया था। मुझे इतने लोगों ने कमेंट्स किया था कि अरे आप अनस्टिच वाला सूट मटेरियल मंगवाओ ना, हमें वो देखना है कि मीशो से कैसा होता है ये वो। तो इसलिए अचानक से मेरी फ्लिपकार्ट की सीरीज में, ओह गॉड मैं कितना फंबल करती हूँ, कितनी बच्ची हूँ मैं, फ्लिपकार्ट की सीरीज़ में बीच में से टपक गया है एक मीशो हॉल, जिसमें मैं रैंडम कहाँ से बोल दिया मैंने, फ्लिपकार्ट हॉल के बीच में मैं आ गई हूँ एक मीशो का हॉल लेके, जिसमें मैंने मंगवाए हैं अनस्टिच सूट मटेरियल, जिसमें आप जो चाहो पजामी सलवार सूट पटियाला सूट शरारा कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने 12 ऑर्डर करे थे, 11 आ चुके हैं, तो एक आएगा बहुत लेट। तो मैं सोचा मुझसे तो वेट होगा नहीं, मैं ये वीडियो बना लेती हूँ और देखते हैं कैसा रहता है ये सूट का मटेरियल, क्या दिखाया है, क्या आया है, कैसा फैब्रिक है, कितना मीटर लिखा है, कितने मीटर आया और क्या इसमें बन पाएगा। तो वो सारी चीज़ें सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे। और इस वीडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, इस वीडियो में हमारा एक साथी है, तो वो आपको पता है कौन है। तो चलो तालियों का उनका स्वागत करते हैं, रितु हाजिर हो। अरे मेरी मम्मी ने हाय बोला है। लो फिर आ गई हूँ मैं। वेरी गुड, आज तो मेरी मम्मी ने भी बोला है कि लो फिर आ गई, उनका व्लॉग में मुंह खुला है तो तालियां बजती रहनी चाहिए। ये कुछ बोलती ही नहीं है यार, बिल्कुल नहीं बोलती, चुप रहती है। बोलने का मौका दे तब ना। हाँ ये बात तो, मैं बहुत बोलती हूँ कचक कचक कचक, लेकिन ये कैमरे के आगे नहीं बोलती, बोलती तो आप भी बहुत हो, सारे बैठ के सुनते हैं जब आप बोल रही होती हो। तो बस ये है, मम्मी मेरा साथ देंगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं एक एक सूट का से दिखाऊंगी। तो मैंने काफ़ी सारे ना इनको माइंड में रख के मंगवाए हैं कि मैं तो नहीं ऐसे सूट वूट सिलवाती और मेरे ना पड़े रहते हैं, सिलते ही नहीं है, टेलर की बहुत दिक्कत है मेरे को। तो मम्मी के साथ क्या सीन है, ये सिलवा लेती हैं तो इन रेगुलर भी सिलवाती रहती है, तो मैंने इनके लिए इसलिए मंगवाए हैं। मैंने एक दो अपने लिए मंगवाए कि शायद इनका पटियाला बनवा लूँ अच्छा लगेगा, बाकी मोस्टली मैंने मम्मी को सोच के मंगवाए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में मम्मी को बुलाया कि जिससे वो अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर दे पाएँ एक एक सूट के मटेरियल में क्या है, कैसा है, अच्छा है या नहीं है, तो वो भी अच्छे से ज़्यादा आपको बता देंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मिनिमम से मैक्सिमम रेंज क्या रहने वाली है हमारी आज की वीडियो की। जो हमारा मिनिमम कपड़ा सूट का जो मटेरियल है वो है 280 रुपये का, ठीक है मम्मी, 280 के स्टार्टिंग है। और जो सबसे महंगा है ना, सबसे महंगा जो मैंने मीशो से मंगवाया है वो 1100 रुपये का है, राउंड फिगर मैंने आपको बताया है, तो 280-300 मान लो और 1100, तो इसी रेंज में मैंने हर एक रेंज में, मतलब 400 का है, 500 का है, 600 का है, 700 का है, 800 का है, तो हर रेंज में मैंने वो मंगवाए हैं एक एक सूट का फैब्रिक। और आउटफिट डिटेल्स का सब लोग पूछते हैं, तो अभी जो मैं ये कुर्ता पहन के बैठी हूँ शॉर्ट कुर्ती, अगर आपने मेरा मिंत्रा से शॉर्ट कुर्ती हॉल देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको थम्स अप दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये कुर्ती, तो ये वही कुर्ती है, मैंने मिंत्रा के हॉल में दिखाई थी तो मैंने वही पहनी हुई है शॉर्ट कुर्ती। अभी मैंने इसके नीचे पहनी है लिवाइस वाली जीन्स, ये जीन्स मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी मिंत्रा से, और इसी जीन्स को मैंने गणपति वाले व्लॉग में भी पहना था, तो आप उसमें पूरा लुक देख सकते हो। और आप लोग मेरे हॉल वीडियोस उतने प्यार से देखते हो लेकिन मेरे डेली व्लॉग्स बिल्कुल नहीं देखते हो, ये बहुत गलत बात है आपकी, डेली व्लॉग्स भी तो देखा करो जितना आप मेरे हॉल वीडियोस देखते हो, तो उससे आपको और अच्छे से जानने को मिलेगा मुझे और मेरी फैमिली को। तो चलो बहुत हो गई हैं बातें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सारे पैकेट्स नीचे रखे हैं, मम्मी एक एक रैंडम पैकेट उठाएंगी और मैं आपको बताती रहूँगी कि किस में क्या है। तो इन्होंने जो सबसे पहला पैकेट आपने उठाया है ना, ये आप साइड में पिक्चर देख सकते हो, ये वाला सूट है, आप यहाँ देख लो, ये वाला सूट मैंने मंगवाया है, इसमें चार कलर के ऑप्शन थे, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज और बेज, तो मैंने ये बेबी पिंक सा मंगवाया है, ये 430 रुपये का मुझे पड़ा है, एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा सूट है, खड़खड़ ऑर्गेन्जा समझ गए ना, वही सूट है, और देखते हैं कैसा आया और आपको पसंद आता है नहीं आता। इसमें काफ़ी सारी रेटिंग्स भी थी, लोगों ने मंगवा भी रखा था। अब मम्मी वैसा ऑर्गेन्जा पहनती तो नहीं है, और ये कलर देख के तो मम्मी का, भले खुद वैसा से पिंक पहन के बैठी हो, मैच हो रहा है देखो थोड़ा थोड़ा, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा फिर ठीक है, ऑर्गेन्जा है मम्मी, टिशू नहीं, टिशू थोड़ा अलग हो गया, लेकिन इन्होंने भले ही शायद ये शायद टिशू हो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इसका नाम ऑर्गेन्जा रखा हुआ है। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये तो इसकी चुन्नी है,
और चुन्नी में ना सही लग रही है, और इसमें ना ऐसे गुथा हुआ ये वर्क हुआ है। अच्छी गाइस, मम्मी ने कहा कढ़ाई अच्छी, देखो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। चुन्नी में चारों तरफ आपको ना ऐसे कढ़ाई मिलेगी, ठीक है, और सही लग रही है। चुन्नी की लेंथ भी बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं इसके कुर्ते और जो इसके नीचे जो भी आप प्लाजो बनाना चाहो, पैंट बनाना चाहो, सेंटून है गाइस, दिस इज सेंटून, सिल्की शाइनी सा मटेरियल है। और मैं बता भी देती हूँ कि कितने मीटर है, ऐसे नाप लूँ ना रफली, इतना होगा एक, इतना होगा दो, ओ हाँ इसका अस्तर भी इसी का ही होगा क्योंकि 3 मीटर जा रहा है। तो गाइस ये थोड़ा शाइनी सा मटेरियल है, आप देख सकते हो, आप इसकी पेंट वेंट भी बनवा सकते हो। और मम्मी का कहना है कि इसका अस्तर भी इसी में होगा। अब ये फ्रंट पल्ला है, इसके पल्ले अलग कटे हुए आए हैं, लाइक ये फ्रंट आप देख सकते हो, ये इसका गला बनेगा और नीचे से बूटियों बूटियों वाला स्टाइल, और एंड में कोई भी बॉर्डर नहीं है, प्लेन है, नीचे कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, प्लेन है। और अब पास से मैं आपको दिखाती हूँ गुथी हुई कढ़ाई, आप देख सकते हो क्या इसकी गुथी हुई कढ़ाई हो रखी है। मुझे 430 रुपये के हिसाब से तो ठीक लग रहा है, मतलब जो इसके पैसे हैं। पीछे का कहाँ है, ये पीछे का पल्ला बिल्कुल प्लेन। तो गाइस मम्मी ने तो इसको अप्रूव किया है कि उनको ठीक लग रहा है अकॉर्डिंग टू द रेट जो फैब्रिक का है, तो अच्छा लगा, इस रीज़न से हम इसको देते हैं थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट हमारा सूट 617 रुपये का है, ठीक है, और ये ब्लैक कलर का सूट है, आप पिक्चर में देख ही सकते हो। मुझे ना थोड़ा इसकी चुन्नी को लेके अच्छा लग रहा था कि थोड़ी अलग सी चुन्नी है, और कॉटन का सूट लिखा हुआ है इसमें। अब देखते हैं कितना मीटर क्या आता है, कैसा है। ब्लैक कलर का कॉटन का सूट है गाइस, ये मैं आपको दिखाऊं पहले खोल के पूरा, फिर आप बताना। गाइस देखो ये है इसकी कढ़ाई, आप देख सकते हो कैसी है। मम्मी ये उल्टा है क्या? नहीं सीधा ही है। नहीं सीधा है, सीधा है। इसकी कढ़ाई अजीब सी नहीं है, यहाँ पे हो ही नहीं रखी, ये बचे हुए हैं देखो। इसका कपड़ा भी जैसे अच्छा नहीं है ना, और ये इसका प्लेन नीचे का पजामा है। अब यार इसकी सिर्फ चुन्नी अच्छी लग रही है, जिस रीजन से मुझे पसंद आया था ना। अच्छा नहीं है सूट का। देखो मैं आपको चुन्नी दिखाऊं, सिगाई से चुन्नी कितनी मस्त लग रही है ना। चुन्नी बहुत सुंदर है, कितना सॉफ्ट फैब्रिक है, कलर भी कितना सुंदर है देखो। हाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। पास से देखो, यहाँ पे देखो कितना गुथा हुआ भरा हुआ है, और यहाँ देखो खाली, इधर भी खाली, नीचे भी खाली, तो मतलब यहाँ हुआ ही नहीं है सही से ना। और ये बीच में जो ये चीज़ है ना, ये बहुत फाइन नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा कितना खराब खराब सा है। और एक होता है ना वो डार्क जेट ब्लैक, ये वो भी नहीं लग रहा है, उसका कपड़ा भी, कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो ना वो ब्लैक का मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो ये 617 रुपये के हिसाब से तो बहुत बेकार है गाइस। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो हमारा सूट है ना, आप पिक्चर में देखो, ये है क्रेप सिल्क अनस्टिच डिजाइनर सूट एंड ड्रेस मटेरियल, ये 663 रुपीज का है। इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, मतलब जो कुर्ता होता है ना वो सॉलिड कलर में था, ठीक है, और जो इसकी चुन्नी थी ना उसमें मल्टी कलर, जैसे पंजाबी सूट होते हैं ना ये वो है, ये मैंने सूट को ना, हाँ पंजाबी सूट है प्रॉपर, ये मैंने अपने लिए मंगवाया था ये सोच के कि चुन्नी बहुत अच्छी है तो मैं एक शॉर्ट वाला पटियाला सिलवा लूंगी, तो मुझे देखना कितना क्या फैब्रिक है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, पर्पल, लाइम ग्रीन, नियॉन ग्रीन, पिंक, लेवेंडर ब्लैक, ढेर सारे, लेकिन मेरा दिल आपको पता है या तो ब्लैक पे आके रुकेगा या येल्लो पे आके रुकेगा। एथनिक में तो मुझे येल्लो बहुत पसंद आता है, बस बहुत कुछ है यार येल्लो में, है ना, पसंद ही येल्लो आता है, तो मैंने फिर से येल्लो ही मंगाया है। तो ये है, और बताओ सूट क्या बोल के चुप हो गई, फिर बोलोगी पहले कपड़ा देखो। इसमें ना छोटे छोटे दाने से हैं, देखो समझ रहे हो आप पास से। अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, पहले ना आपको चुन्नी दिखाती हूँ, जिस रीज़न से ना मेरा इस पर दिल रुका था। आप ये चुन्नी देखो, फुलकारी बोलते हैं लेकिन उसमें थोड़ा थ्रेड वर्क भी होता है। ये क्या है, पूरी प्रिंटेड चुन्नी है, नहीं अच्छी है चुन्नी, और इसमें ना प्रिंटेड गोल्डन वर्क हुआ हुआ है, आप इसे शाइन शाइन मार रहा होगा, और चारों तरफ ये इसमें लेस लगी हुई है, और बहुत सुंदर दुपट्टा है ना। अब ये तो हो गया दुपट्टा, अब दिखाती हूँ इसको, खोल लूँ ना ऐसे, ये ऑल ओवर येलो है, कैसा है कपड़ा, सही है गाइस, ये ना पूरा ऑल ओवर येलो सूट है, तो जो इसका बॉटम होगा ना वो तो बनेगा आपका ये दिस प्लेन येलो वाला मटेरियल, ठीक है, प्लेन येलो मटेरियल से इसका बॉटम बनेगा, और जो ये होगा फ्रंट,
ये इसका पूरा फ्रंट है, आपको एंड में ऐसा ये लेस भी मिल जाएगा, तो शॉर्ट कुर्ती बना के आप ये लेस लगा सकते हो। और कितना मीटर होगा ऐसे कैसे पता चलेगा? रुको मैं ऐसे देखती हूँ। ये तो हो गया पूरा कुर्ता, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट एंड बैक, ठीक है। अब यहाँ से नापती हूँ ना, एक दो ढाई के आसपास है। क्या चीज़? सलवार के लिए, सलवार के लिए 2.5 मीटर है और फ्रंट एंड बैक का है, सही है। लेकिन पटियाला नहीं बन पाएगी ना, उतनी हैवी पटियाला नहीं बनेगी, लेकिन बन जाएगी सलवार। प्लाजो व्लाजो के लिए है आजकल पट। हाँ प्लाजो व्लाजो बन जाएंगे। मुझे मटेरियल बहुत अच्छा लगा गाइस, वर्थ इट है। बहुत सारे कलर ऑप्शन है, आप कोई सा भी मंगा सकते हो। ये बहुत मस्त लगेगा सिल्क में, इसको डेफिनेटली सिलवाऊंगी। आप मेरी बाकी वीडियोस वगैरह में भी देख लोगे, शरारा भी अच्छा लगेगा इस पे तो, है ना? शरारा सही लगेगा। अप्रूव्ड, थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज, जो हमारा नेक्स्ट कुर्ता है ना, सूट है, मतलब सूट मटेरियल, वो इस हॉल का सबसे महंगा वाला 1100 वाला, मतलब 1100 क्या है उसका प्राइस है 1096 रुपीस, तो 4 रुपये कम 1100 रुपये। इसमें 4 कलर के ऑप्शन है, एक ये आप देख सकते हो फिरोजी, एक ये पिंकिश रेडिश, एक ग्रीन और एक येलो। तो मम्मी दिमाग में थी, तो मम्मी का फेवरेट कलर है ग्रीन, तो मैंने ग्रीन मंगवाया क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ग्रीन। तो देखते हैं कैसा है, इस हॉल का सबसे महंगा सूट है। इसके बाद जो सस्ते सूट भी होंगे ना, तो आप कंपेयर भी कर पाओगी कि इतना ठीक है या नहीं है, चुन्नी वगैरह सब। पहले ना कुर्ता दिखाती हूँ आपको, देखो ये है कुर्ता, कढ़ाई देखो अच्छी है ना, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है, कोई गला नहीं बना हुआ है। लेकिन इसमें इसमें ना ये नीचे बस बॉर्डर है, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। देखो आप इसके पास से कढ़ाई देखो, क्या कढ़ाई हुई हुई है, और इसमें ना बस नीचे ये बॉर्डर है, कोई नेक स्पेशल वगैरह इसमें कुछ बना हुआ नहीं है। पूरे सूट में ना सिल्वर ग्रे के थोड़े वो बने हुए हैं डॉट वगैरह ना, अच्छा है ना 1100 के हिसाब से भी। देखो ये पूरा फैब्रिक है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, बहुत फाइन फैब्रिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और पीछे से ना ये प्लेन नहीं है, पीछे से एक अलग पूरा ऐसे आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, ठीक है, लाइट प्रिंट है, लेकिन सेल्फ में बहुत अच्छा प्रिंट है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अब इसका जो नीचे का है ना, जो भी आप पेंट बनवाओ सलवार बनवाओ, उसके लिए फैब्रिक बिल्कुल प्लेन है, और वही 2.5 मीटर का ये फैब्रिक मुझे लग रहा है, एक दो, हाँ 2.5 है ये, मैं सही से वैसे इतना बड़ा बड़ा करके नाप लूँ, 2.5 मीटर का फैब्रिक है। और अच्छा, चुन्नी इतनी सही है ना, चुन्नी में भी गाइस फैब्रिक बहुत मस्त है, बीच बीच में ना पूरा सेम आपको दिखेगा ये प्रिंट हुआ हुआ है, देखो ठीक है, साइड में ऐसा बॉर्डर है, बीच में ये ब्लॉक प्रिंट टाइप का हुआ है, बहुत मस्त लग रही है, अच्छा लगा ना आपको? मम्मी ने किया है अप्रूव, तो थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, इसका नाम है विमेंस ग्रे बोटैनिकल एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट सूट, 530 रुपये का ये कपड़ा है। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि स्काई ब्लू के भी 3-3 शेड, पिंक के भी 3-3 शेड, मैं कौन सा कलर मंगवाऊँ, ब्लैक वाइट रेड सारे कलर। तो मैंने ना स्काई ब्लू मंगवाया है, मुझे याद है मैंने 1-1.5 साल हो गया होगा ना, ऐसा सा कपड़ा हम अपने लोकल मार्केट से लेके आए थे, और मैंने उसका अनारकली सिलवाया था, फैब्रिक भी महंगा था, स्टिचिंग भी कितनी महंगी थी। अब जब मुझे ये सूट दिखा ना, तो मैंने सोचा भाई ये तो बिल्कुल सेम मटेरियल है, देखो बिल्कुल सेम, आपको दिख रहा होगा ऐसे ना बीच में सीक्वेंस विक्विन लगे हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस है जो चमक भी रहे, और पूरा ऐसे ही गुथा हुआ थ्रेड वर्क का कपड़ा था वो जो मैंने लिया था। अब ये सूट मुझे 530 रुपये का पड़ा, तो फिर भी सस्ता नहीं है कितना, जिस हिसाब से हम वो लेके आए थे। ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी के चारों तरफ ना आपको ये रिबन लगा हुआ है, देखो ठीक है, ओकेश लग रहे हैं, चुन्नी बस ठीक ठाक है। अब ये है फैब्रिक, मैं पूरा आपको दिखाती हूँ, सी ये पूरा फैब्रिक है, और इसमें ना आपको पीछे अस्तर ही लगाना पड़ेगा, और नीचे एंड में आपको वही रिबन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा स्पेशल बॉर्डर नहीं है, रिबन ही दिया हुआ है। अब ये फैब्रिक है, लेकिन ना इसमें आगे ही है, यही मैं बोलने वाली थी कि ये सिर्फ आगे आगे है, और मेरा आगे पीछे पूरा ही यही चीज था। अब इसमें क्या, ये फ्रंट तो आपको ये दिखेगा, पीछे से आपको प्लेन है, बैक से प्लेन है, खास अच्छा नहीं 530 रुपये के हिसाब से, सोच के देखो एक बार, या ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है मम्मी 530 के हिसाब से, देखो ना। और ये है इसकी बॉटम, बॉटम का कपड़ा तो अच्छा नहीं है, अजीब सा नहीं है,
वही तो कह रही हूँ ना, ये बॉटम के लिए जो कपड़ा मिला है ना गाइस, इसका फैब्रिक ना थोड़ा वैसा है जो शायद गर्मी करेगा, मोटा है थोड़ा, लेकिन फिर भी ओके ही है 530 के हिसाब से, ना बहुत अच्छा ना बहुत बेकार, मीडियम मीडियम है, ठीक ठाक है, ओके ओके है। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो सूट है वो 447 रुपीज़ का है, वुमेन्स बेज एम्बलिश्ड कॉटन सूट एंड ड्रेस मटेरियल। इसमें क्या था, जो चुन्नी थी ना, इसको क्या बोलते हैं, इस चुन्नी के प्रिंट को राजस्थानी प्रिंट होता है ना, और फुल क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बांधनी नहीं सही है कुछ, कुछ ऐसा सा याद नहीं आ रहा मेरे को, गाइस लोगों नाम याद नहीं आ रहा मुझे, याद था। तो इस चुन्नी सबकी ऐसी मल्टी कलर थी, और ना जो कुर्ता था उसके ना कलर्स थे बेज, रेड, येलो, ब्लैक, तो मैंने ना ये बेज कलर का मंगवाया क्योंकि मुझे ठीक लग रहा था, रेड येलो ब्लैक बहुत चटकीले से मुझे लग रहे थे, तो मुझे था देखते कैसा आएगा, समझ लो 450 रुपये के हिसाब से है ये। अब मुझे आपको लग रहा है गला देख के ही नहीं आपको पसंद आ रहा होगा, गाइस इसका ना गला ऐसे बना हुआ है, ठीक है सूट दिखाती हूँ फिर भी। अच्छा, बटन अलग से रख के भेजे हैं इन्होंने, कि आपको अपने अकॉर्डिंग बटन आपको जो लगाना है आप लगा लेना। पहले मैं दिखाती हूँ चुन्नी, और प्लीज मुझे कमेंट्स और भी है, मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बता देना इस चुन्नी के प्रिंट को क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया। इसकी चुन्नी देखो स्टॉल टाइप की लग रही, पूरी लंबी चुन्नी है, देखो सही लग गई ना चुन्नी, ये तो इसकी चुन्नी है। अब मैं आपको सूट दिखाती हूँ, बटन इन्होंने 6 बटन भेजे हैं, बटन भी ठीक ठाक है, आरकंडी ये मुझे नहीं पता मटेरियल ठीक है, 400 रुपए इतना कड़कड़ गाइस, ये आरकंडी कहते हैं इसे, ये मम्मी जो फैब्रिक बोली शायद आप लोग समझ गए होंगे, गाइस ये सलवार है, मुझे ऐसा लग रहा है, आवाज सुनो सलवार बन गया टेढ़ी टेढ़ी खड़ी, ये ऐसी सलवार बन के खड़ी होगी ये बहुत ही कैड़ा फैब्रिक है, आई डोंट नो ये सॉफ्ट होगा धोने के बाद या नहीं होगा, कई कपड़े हो जाते हैं कई नहीं होते हैं ये, बिल्कुल एक मिनट शांत रहना मम्मी, इनको आवाज़ आएगी कि कैसी सी आवाज़ आ रही है इसमें से। ये तो भाई सलवार है, अब मैं फ्रंट तो दिखा दूँ ये है कैसा सा, बहुत खड़खड़ सूट है ये, सूट है पूरा देखो, इसकी नेक बिल्कुल ऐसे प्लेन बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे 6 बटन लग जाएंगे, पीछे से है ये बिल्कुल प्लेन, और आप इसके साथ अगर ये फैब्रिक स्मूथ होता तो कुछ समझ आता, उसके साथ आप ये चुन्नी रख के देख लो, ये कुछ ऐसा सा सूट है, एक्चुअल में जो दिखाया आया तो वही है, लेकिन फैब्रिक को लेके तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, है ना, समझ आ रहा है आपको, पास से फिर भी देख लो आप एक बार क्या कढ़ाई है, कैसा सा ये लग रहा है, हम तो बहुत कन्फ्यूज़ हैं, ओके ओके अच्छा नहीं लगा तो मम्मी ने, नो फ्रॉम आर साइड, नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस हमारा नेक्स्ट सूट मटेरियल है वो 740 रुपये का है, चंदेरी सिल्क सूट है, इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे, मतलब बेस तो एक ही था वाइट, उसके ऊपर सलवार और चुन्नी के काफ़ी कलर थे, मतलब स्काई ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, पीच और ग्रीन, मैंने स्काई ब्लू मंगवाया क्योंकि सबसे अच्छा मुझे स्काई ब्लू लग रहा था, 740 रुपये का, देखते हैं कैसा है। या मेरे को ना आपको सूट बिल्कुल ऐसे दिखाने थे, मैडम ये सूट देखो ये इतने रुपए का है, मैडम बेस्ट सूट है हमारी दुकान का, दुकान वालों का कौन सा सूट खराब होता है बता बता अरे मैडम आप कढ़ाई देखो ना, मैडम आप क्या बात करो, मैडम आपने ऐसा सूट इतने रेट में आपको पूरे मार्केट में कहीं मिल गया ना, मैं गारंटी देता हूँ वापस ले लूंगा सूट तो गाइस यार ये मुझे बहुत मस्त लग रहा है, इसकी कढ़ाई देखो आप कितनी सुंदर है ना, इनको भी दिखाती हूँ पास से देखो गाइस, ये इतनी सुंदर कढ़ाई है ना, और बहुत प्यारा ये फैब्रिक लग रहा है, क्या कलर है इसका, मतलब कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सुपर्ब है, ये पूरा देखो ये होगा आपका पूरा फ्रंट, और जो इसका बैक होगा ना ये होगा पूरा प्लेन, ठीक है, लेकिन ये 740 रुपये के हिसाब से बता दो मम्मी कैसा है, बहुत सुंदर है ना ये गाइस, और इसकी जो पैंट है ना आप इसमें शाइन देखो, सिल्क वाली जो शाइन नहीं होती, जो दो कलर का शाइन मारता है ग्रीन के साथ कोई, ये शाइन मार रही है ये पैंट, और इसके साथ जो चुन्नी है ना, इसका दुपट्टा, ओ गॉड वो भी प्लेन नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो इसमें भी पूरा वर्क हुआ हुआ है, और ये इसका दुपट्टा है मम्मी, ये तो बहुत मस्त लग रहा है यार, आपको मुझे 4 बार थैंक यू बोलना चाहिए, बोलो
गाइस हम दोनों तो करते हैं इसको अप्रूव, मम्मी तो मुझे थैंक यू बोलेंगी नहीं, तो मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट। ये कह रहा नहीं जाऊंगा, पहले थैंक यू बोलो, चलो एक बार तो बोल दो, इज्जत ही नहीं है आप उनकी तो। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो हमारा सूट मटेरियल है वो 566 रुपीस का है। आप फोटो में देख सकते हो चार कलर के ऑप्शंस थे, मतलब हल्का हल्का से कलर्स चेंज थे, एक ऑरेंजिश था, एक पिंकिश था, एक येलोइश ग्रीनिश, और प्रिंट बिल्कुल सेम थे, वही गोल्डन वाला। तो मैंने ना पीच ऑरेंजिश कलर मंगवाया है, देखते हैं कैसा आएगा। वैसे तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ये सूट है, इस पर से गोल्डन वर्क हुआ था, मुझे लग रहा था सिल्क अच्छा लगेगा। पहले देखते हैं, अब मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, बहुत चटक भी लग रहा है शादी वादी में पहनने के लिए। ये क्या है, ये कितना सा अलग से पीस आया है, स्लीव्स के लिए है क्या? अच्छा, ये इतना पीस आया है स्लीव्स के लिए। ये हो गया इसका सलवार, पहले मैं ये दिखाती हूँ गाइस, देखो बैक में नहीं है, हाँ ये फ्रंट में है बस, ठीक है। आप पास से देखो क्या इसमें वो गोल्डन वाला वो वर्क हुआ हुआ है, जो थोड़ा चुभता है, इसके पीछे ऑब्वियसली लाइनिंग तो लगेगी। इसमें ना नीचे आपको बॉर्डर भी मिलेगा, देखो ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। और ये बैक से बिल्कुल प्लेन है, लेकिन बैक में क्या है आपको एंड में बॉर्डर मिल जाएगा, एंड में बॉर्डर है, और बैक से वैसे ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। ये तो हो गया सूट, बताओ फाइव कितना बताया, 566 है ना सूट। और ये है इसकी बॉटम, बॉटम का फैब्रिक भी ओके है, और फैब्रिक में एक शाइन है। ये है इसका बॉटम का फैब्रिक, ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी आप देख सकते हो पूरा कितना क्या हैवी है। और ये ना गोल्डन गाइस, मैं कैसे समझाऊं, चिपका हुआ गोल्डन नहीं है, इस पूरा कढ़ाई हो रखी है। आप बैक से देखो, ये पूरा पीछे से आपको दिख जाएगा कि पूरे गोल्डन कढ़ाई हो रखी है, बॉर्डर पे भी आपको दिख जाएगा, फ्रंट से ही आपको ऐसा दिखेगा, देखो ये चीज़ है, ये कढ़ाई हुई हुई है। तो इसलिए ये चीज़ है कि वो निकलेगा नहीं, और आपके ऐसे बॉडी पे वो गोल्डन गोल्डन चीप चिपकेगा नहीं, और इसके साथ आपको स्लीव्स भी मिल रही हैं। तो ये 566 550 के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मम्मी ने किया है इसको अप्रूव, तो हम इसको देते हैं थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो ड्रेस मटेरियल है वो 709 रुपए का है। ये मैंने अपने लिए सोच के मंगवाया था, ये शरारा सेट, आप फोटो में देख सकते हो कि लड़की ने पूरा शरारा सेट बनवाया। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, येलो, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ये पर्पल कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, बेबी पिंक। भाई इतने कलर मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं चुपचाप चले गई पर्पल से कलर में, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, तो मैं सोचा ये मंगा लेती हूँ और देखते हैं कैसा रहता है फैब्रिक, और आप बताना अच्छा है या नहीं है, और मैं सिलवाऊँगी तो मैं पहनूँगी या नहीं। और देखो इसका मैंने लहंगा भी मंगवाया था, वो 4,500 रुपये का लहंगा आया था, तो सब चीज़ से कंपेयर करना, ठीक है, सब चीज़ से कंपेयर करना कि ये 700 रुपये का है। मैं आपको पहले चुन्नी से दिखाती हूँ, ये इसकी चुन्नी है, ऐसे कटिंग हो रखी है, ठीक है, और इसमें पूरा सीक्वेंस वाली है, ये वाली कढ़ाई हुई, ठीक है, और ये पूरी अच्छी खासी, सॉरी ये पूरी ये चुन्नी है, सॉरी मम्मी ये चुन्नी पकड़ो, और अरे इसका ये बना हुआ है, ये तो मैंने अभी देखा गाइस, ये इसका ये बना हुआ आया है शरारा, ये देखो इसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ना, आधी सिलाई तो हुई भी है, शरारा बिल्कुल बना हुआ आया इसका। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ये बना हुआ आया है, नहीं तो हमें सिर्फ कुर्ता कुर्ता बनवाना पड़ेगा, और कुर्ता कुर्ता भी सेमी स्टिच्ड है, देखो ये फ्रंट है और बहुत ही चौड़ा है, और नीचे का पूरा देख सकते हो, ये नीचे का बॉर्डर है, ये पूरा ऊपर, कोई नेक नहीं है इसमें, ठीक है, तो अपने हिसाब से। और ये स्लीव्स है, स्लीव्स में भी आपको ये चुन्नी वाला सेम चीज़ मिलेगी, है ना, और आप चाहो तो स्लीवलेस भी बनवा सकते हो। साइड में पूरा ऐसे पाइपिंग लगी हुई है, सूट के साइड में पूरा है गोल्डन पाइपिंग लगी हुई है, और बैक से बिल्कुल प्लेन। अब आप बताओ 710 मतलब 700 रुपए के हिसाब से, बहुत अच्छा, ये पीछे प्लेन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, 700 वीडियोस में काम आ जाएगा मेरी ना, तो 700 रुपए के हिसाब से मम्मी ने दिया है इसको थम्स अप, 4,000 से तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है ना वो सबसे सस्ता वाला है इस हॉल का, अब तो आपने सारे देख ही लिए, अब ये है सिर्फ 280 रुपए का पूरा सूट का मटेरियल। आप देख सकते हो मैंने क्या कलर कॉम्बिनेशन मंगाया, बेबी पिंक एंड डीप पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन है। इसमें इतने कलर थे ना कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कौन सा लूँ, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, और बहुत सारे कलर आपको फोटो में देखने को मिल ही रहे होंगे कितने सारे कलर हैं।
तो क्या मिल रहा है 280 रुपए में गाइज। ये बेबी पिंक कलर है, इसमें ना ऐसे गोल्डन गोल्डन हुआ हुआ है। ये इसकी चुन्नी है और ये इसकी सलवार है, ये है ठीक है। अब मैं फिर भी आपको पूरा खोल के दिखा देती हूँ कि क्या फैब्रिक। ये बैक से है, उल्टा है ये ठीक है। एंड दिस इज फ्रंट, देखो ये है कुर्ता ठीक है। ये ऐसे बनेगा, कोई गला नहीं बना, कोई बॉर्डर नहीं है, बस प्लेन फैब्रिक है ठीक है, कुर्ता है ये। अब इसके साथ की जो ये सलवार है ना, ये बिल्कुल ही प्लेन है ठीक है। ये मैं खुलेगा कहाँ से पता तो चले कैसी सी है, देख सकते हो ये कलर है। एंड दिस इज प्लेन बेसिक शाइनी सी थोड़ी फैब्रिक है इसका। अब ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा और जो बॉटम है ना वो बिल्कुल सेम है। अब ये स्टॉल टाइप का है, छोटा है ठीक है। देखो 280 में ये मिल रहा है आपको। अब आप मतलब क्या बोलोगे कि मतलब ठीक है, ओके है? 280 के हिसाब से मुझे काफी ठीक लगा। मुझे तो बहुत ही गंदा फैब्रिक आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे देख रही हूँ ना तो भाई वैसा नहीं लग रहा कि आप इसको पहन सकते हो, अच्छा सिलवा सकते हो। घर में तो पहन ही सकते हो, बेसिक पूजा वूजा कुछ छोटा वोटा, आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को। मुझे तो ठीक लग रहा है गाइस, जो रेट है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है ना। तो हम दोनों तो इसको थम्स अप देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दिखाती हूँ गाइज, ये ना लास्ट है 11th। ये 394 रुपीज़ का है और खादी कॉटन था। मुझे था एक खादी वाली चीज़ भी मंगा लूँ। मैंने बहुत मतलब पता है, मैंने बहुत घंटे ऐसे सर्च करके मतलब ऑलमोस्ट मैंने सब देखा था क्या है क्या नहीं, तब मैंने ये मंगवाए थे। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने खोला और मैंने मंगवा लिया, दो दिन आज दो घंटे बैठी फिर रात देखा मैंने, करीबन 19 या 22 विश लिस्ट किए थे, उसमें से मैंने फिर ये मंगाए थे कि यार ये वाले बेस्ट हैं। दो तीन और बेस्ट लग रहे थे, मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि आए भी नहीं है। हाँ एक नहीं आया अभी तो वो एक 12 किए थे तो 11 आ गए हैं। तो वो जो 12वां है ना वो भी इसके बाद दिखाऊंगी कि कौन सा था। उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, जब आएगा तो शायद शॉर्ट्स में डाल दूंगी जिससे लोग देख लें। तो ये 400 रुपये का है, ग्रीन कलर का है, खादी कॉटन में। अब मैं दिखाती हूँ, ये ना इसका अपर है, इसमें ना बीच में क्या बोलते हैं फैब्रिक में ही धागे से सिल्वर वर्क हुआ हुआ है, जिससे ना हल्की सी शाइन मिल जाएगी आपको फैब्रिक में। अब मैं पास से दिखाऊँ, देखो ये इसका फैब्रिक है, आपको बीच में दिख जाएगी कि लाइनों में ना हल्की हल्की सिल्वर सी शाइन आ रही है। तो ये इसका फैब्रिक बिल्कुल ही प्लेन है। एक मिनट मम्मी छोड़ो तो सी, देखो ये तो हो गया इसका कुर्ते का फैब्रिक, और बहुत अच्छा खासा चौड़ा नहीं है, बहुत चौड़ा और बहुत बड़ा है इसका फैब्रिक। ऐसा नहीं कि पतला सा दे दिया हो, कि मतलब कोई जैसे हैवी होते हैं ना उनके लिए भी परफेक्ट आएगा। देखो अरज ज़्यादा है, वही मैं कह रही हूँ, देखो कितना बड़ा है और ऐसे भी लंबा है फैब्रिक। तो 400 रुपए के हिसाब से बहुत सही आया है, और ये और बहुत खादी है, तो ये नहीं कि बहुत खसड़ खसड़ कर रहा हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, अच्छा है फैब्रिक, बहुत अच्छा है। ये दिखा दो, सलवार भी प्लेन नहीं है, इसमें ग्रीन में हल्की हल्की से ऐसे लाइनिंग लाइन लाइन सी है जैसे खादी में होता है, और बहुत स्मूथ है, अच्छा लग रहा है। और ये इसकी चुन्नी है सी, ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी में भी ना ये पूरा थ्रेड वर्क है लाइनिंग वाला, और ये बॉर्डर में भी पूरा थ्रेड वर्क है, कुछ भी प्रिंटेड नहीं है। 400 रुपए के हिसाब से आपको ये कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा है ना बहुत। तो गाइज हम लोगों की तरफ से तो इस सूट के लिए भी थम्स अप है, बहुत अच्छा है। अब मैं दिखाती हूँ वो 12th जो नहीं आया है, जो हमारा 12th सूट था वो 774 रुपीज़ का है, आएगा मतलब था क्या। आप पिक्चर में देखो, ये पिंक एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन मैंने मंगवाया, ये एम्ब्रॉयडर्ड चंदेरी सिल्क सूट है। इसमें भी नीचे देखो कितने सारे कलर ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत ही सारे, में क्या ही अब देखो, आप देख ही सकते हो पिक्चर में कितने सारे कलर ऑप्शन है। ये अभी आया नहीं है गाइज, ये अभी बता रहा था आने में, आज के दिन से भी 8 दिन बाद आएगा। तो जब ये आएगा ना, इसको शॉर्ट्स में मैं ज़रूर आपको बता दूंगी कि कैसा क्या आया है। बाकी आई होप आपको इस वीडियो से ना काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी कि मीशो पे जो ये फैब्रिक दिखाते हैं कैसे आते हैं, एक्चुअल निकलते हैं नहीं निकलते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ना, मतलब जैसा दिखाया है ना पहली बात तो सारे के सारे वैसे ही आए हैं, एक में भी फ्रॉड नहीं हुआ है, और फैब्रिक बहुत अच्छा, मटेरियल बहुत अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी।
मैं फुली इम्प्रेस्ड हूँ इस बार जो मेरा मीशो से एक्सपीरियंस रहा है. आई होप अब आपको नॉलेज मिल गई होगी, आपको मेरा हॉल पसंद आया होगा, मेरी चॉइसेस पसंद आई होगी. मैंने बहुत वाइड वैरायटी मंगवाई थी. तो बाकी अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आप समझ ही गए होंगे सब कुछ. यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए मेरी वीडियो में. मैं और मेरी मम्मी यहाँ बैठे हैं अपनी अपनी झोली और हाथ फैला के प्यार बटोरने के लिए. बाकी बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि क्या चीज़ रह गई और आप क्या देखना चाहते हो. और मेरी माता श्री के भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार. तो चलो गाइस जल्दी मिलते हैं. बाय बाय, लव या.